हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल पॉलिटिकल से क्लासेस। माई सेल्फ सोरम चौहान। सो गाइज, आज हम यहाँ पे बात करेंगे प्लेटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और वो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यानी कि प्लेटो देखो इतना बड़ा चैप्टर है, और उसके अंदर से आपको क्या पढ़ना है ये भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स है हमारे, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उन सबका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में। देखिए, शिक्षा सिद्धांत यानी कि जो एजुकेशन थ्योरी है वो प्लेटो ने दी है, और प्लेटो ने किस तरीके से इसके बारे में बताया ये मैंने काफ़ी बार एक लेक्चर में आपको बताया। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की प्लेलिस्ट में आपको ये लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। तो शिक्षा का सिद्धांत, देखिए ये जो तीन क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये शॉर्ट और लॉन्ग में से किसी में भी पूछे जा सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम हर जो भी मतलब इम्पोर्टेंट जो थिंकर हैं, जो बेसिकली मैंने पहले भी आपको इम्पोर्टेंट थिंकर के बारे में बताया कि कौन कौन से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उस थिंकर के अंदर से जो क्वेश्चन निकलेंगे उनके बारे में हम लगातार आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे प्लेटो के बारे में, तो कि प्लेटो से कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो पहला आता है शिक्षा सिद्धांत। तो शिक्षा सिद्धांत को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, यानी कि रट लेना है, जिनको बोलते हैं कि इन क्वेश्चन को तो आप रटी लो। तो हम उन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उन टॉपिक की बात कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है दार्शनिक राजाओं का शासन, यानी कि फिलोसोफर किंग की जो गवर्नेंस है, जो उसका सिस्टम है, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि प्लेटो के अनुसार जो दार्शनिक राजा होते हैं उनका कैसा शासन होता है, क्या वैल्यूबल होती है, क्या उसको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट उस दार्शनिक राजाओं का जो शासन जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आते हैं, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आप प्रीवियस पेपर या सैम्पल पेपर उठा करके चेकआउट कर सकते हो। एंड लास्ट और थर्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्लेटो का आदर्श राज्य, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादातर अगर हम दार्शनिक और प्लेटो के आदर्श राज्य की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में डेफिनेटली आता ही आता है। तो ये तीसरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्लेटो का आदर्श राज्य, यानी कि प्लेटो ने आदर्श राज्य के बारे में बताया, उसके गुण और दोषों की वहाँ पे उन्होंने चर्चा की है, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तीन क्वेश्चन आपको कहते हैं ना कि रट लेने होते हैं, ये तीन क्वेश्चन आप प्लेटो से रट लो, ये डेफिनेटली आपके सामने आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे अगले वाले थिंकर के बारे में, यानी कि जो भी स्टेप बाय स्टेप हमने जो इम्पोर्टेंट आपको थिंकर बताए हैं, फिलोसोफर बताए हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, तो उनमें से मतलब फिलोसोफर तो हमने बता दिए, अब वो पूरा आपको किस तरीके से रेडी करना है या फिर उनके अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये हम वन बाय वन करके वीडियो के माध्यम से आप तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाते रहेंगे। सो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर पहले बार अटेंड करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऑफ इसी तरह के जो भी अपडेट हैं, जो भी वीडियोस हैं, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।